मध्य प्रदेश में तीन भाजपा इस समय काम कर रही है, शिवराज भाजपा, महाराज भाजपा और नाराज भाजपा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे, मैं जामिल। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह आज रीवा में हैं। उन्होंने पत्रकार वार्ता करके भारतीय जनता पार्टी पर कई तरीके के आरोप लगाए। दिग्विजय सिंह ये कहने में भी नहीं चूके, मध्य प्रदेश में 25% की सरकार है। माना जा सकता है 40% के बाद 25% की एंट्री भी मध्य प्रदेश में हो रही है। सुनिए पत्रकार वार्ता के दौरान दिग्विजय सिंह ने क्या कुछ कहा। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह एक दिवसीय दौरे पर रीवा पहुंचे। रीवा के सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना बांधा। पूर्व मुख्यमंत्री का साफ तौर से कहना था, मध्य प्रदेश में 25% की सरकार है, पंच सरपंच 25% देते हैं तो ही उनका काम होता है। उन्होंने कहा, मध्य प्रदेश में पहले शिवराज सरकार थी जो केवल अकेले लूटने का काम करती थी, उसके बाद महाराज सरकार आई जो 19 से लूटने का काम कर रही है, वहीं एक तीसरी भी सरकार है भाजपा नाराज सरकार, वो चाहती किसी भी तरीके से उसको लूटने का मौका मिले। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी की तारीफ करते हुए कहा, किसी जमाने में जनसंघ में ऐसे लोग थे जो पैदल और साइकिल से निकलकर समाज के लिए काम करते थे, आज ऐसे लोगों का एक भी समय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में ऐसे लोगों की पूंछ परख खत्म हो गई है। दिग्विजय सिंह ने कहा, आज शिवराज मामू को बहनों की याद आ रही है। हमारी एक बहन ने कहा, आप सारा पैसा गैस टंकी वालों को दे दीजिए, हमें केवल 150 रुपए में सिलेंडर दे दी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी केवल वादे कर रही है, काम वो पूरा करेगी नहीं। हमने, कमलनाथ जी ने तय किया है, हमारी कांग्रेस पार्टी ने तय किया, हम बहनों को 1500 रुपए महीने देंगे, 500 रुपए में सिलेंडर देंगे, इसके फॉर्म भी हम भरवा रहे हैं। उन्होंने बजरंग दल मामले पर बोलते हुए कहा, हम किसी भी दल के खिलाफ नहीं, हम खिलाफ हैं देश हित के खिलाफ जो भी लोग काम करते हैं उनके। उन्होंने कहा, सवाल तो है ही, बजरंग दल के कार्यकर्ता बलराम जो कि सतना में पकड़ा गया था, उसकी जमानत कैसे हो गई, उसके मामले में सरकार सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गई। हमारी सरकार बनी तो हम ऐसे लोगों के खिलाफ जरूर कड़े से कदम उठाएंगे। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रीवा रैली का भी जिक्र करते हुए कहा, रैली में मुश्किल से 35 से 40 हज़ार लोग थे, लेकिन 1.25 लाख लोगों को खाने का पैकेट बांटा गया। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं भ्रष्टाचार किस लेवल से मध्य प्रदेश में हो रहा है। सुनिए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने क्या कुछ कहा। पंचायत राज के जनप्रतिनिधि के उनके सारे अधिकार छीन लिए गए और पूरा सरकारी तंत्र आज जेन्युइनली टंगी हुई है कि काम 25% दो और जो काम चाहते हो ले जाओ। आप किसी सरपंच से पूछ लीजिए उसको पंचायत क्षेत्र में काम कराने के लिए कितनी राशि देनी पड़ती है। ऊपर से पूरे मध्य प्रदेश में कलेक्शन होता है और वो हर महीने मुख्यमंत्री और पंचायत मंत्री के पास पहुंचता है। झूठों के सरदार श्री शिवराज सिंह चौहान, लेकिन सरदार से बड़ा भी एक और सरदार दिल्ली में है, नरेंद्र मोदी। दोनों झूठों के सरदार हैं, एक देश का और एक प्रदेश का। अब हिम्मत देखिए शिवराज सिंह झूठ बोलने। उन्होंने कहा कि हमने मध्य प्रदेश में किसानों की आमदनी दुगनी कर दी। एक भी किसान इस प्रदेश का ये कह दे शिवराज सिंह चौहान के परिवार को छोड़कर, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान के परिवार अपनी काली कमाई
का पैसा नंबर एक पे कर रहे हैं और दूध सप्लाई और फूलों की खेती ये विदिशा के है। विदिशा में फूलों की खेती हो रही है। रहने वाले जैत के जैत पे खेती नहीं करते, विदिशा में जाकर करते हैं। जैत में तो केवल रेत खनन का काम होता है, वहां जितना रेत खनन का अवैध काम होता है जैत में मुख्यमंत्री के घर में और उनके परिवार जो करते हैं, मेरा तो खुला आरोप है। उतना मैं समझता हूं किसी क्या नहीं होता होगा। हमारा तो ये कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत किसने की? इंदिरा गांधी ने की थी। प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत उन्होंने की थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की राज में 2011 में सर्वे कराया गया था कौन कौन आवासहीन है और उसी लिस्ट के आधार पर आज प्रधानमंत्री आवास योजना का बंटन हो रहा है। हम लोग इस मामले में सोच रहे हैं कि अगर कांग्रेस सरकार आती है तो शहर और ग्रामीण आवास योजनाओं के जो पैसा है वो तो बराबर पेमेंट किया जाए। इसी के साथ साथ जल जीवन मिशन का एक और झूठ बोल दिया कि कमलनाथ की सरकार ने ये पैसा खर्च नहीं किया। अब ये योजना केंद्र सरकार ने 2019 में प्रारंभ की और 2019-20 में मध्य प्रदेश सरकार ने 615.65 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, जिसमें 326 करोड़ रुपए आए केंद्र सरकार के, 288 लगे कमलनाथ राज्य सरकार की। इसका मतलब यह है कि दोनों कार्यक्रमों में जल मिशन में और प्रधानमंत्री आवास योजना में मध्य प्रदेश की सरकार में एक एक पैसा जो लगना था वो लगा है ताकि योजनाओं का पूरा क्रियान्वयन हो और एक पैसा भी केंद्र सरकार को नहीं लौटाया है। एक झूठा वादा एक और कर दिया। खुलेआम झूठ बोलते रहते हैं कि कमलनाथ जी की सरकार में जो वादा किया था किसानों का कर्जा माफ करने का, एक का किसान माफ नहीं हुआ। हमारे पास जो रिकॉर्ड है कि जैतपुर के गांव उनके परिवार के लोगों का कर्जा माफ हुआ है। ओवर ड्यू जिनके किसान थे उनको 2-2 लाख रुपए का पूरे एक एक का कर्जा माफ हुआ। इसके बाद 50 जिनका ड्यू था उनका 50,000 का एक किस्त में माफ हुआ, 1 लाख का हमने कुछ दिन में कर दिया और आज तक तो पूरे किसानों के 2 लाख तक के कर्जे ड्यू किसानों के भी माफ हो जाते। लेकिन उन्होंने हमारे जितने बड़े बड़े जमींदार राजा महाराजा थे उनको खरीद लिया और सरकार गिरा दी और उसके बाद कर्जा माफी की सरकार की कांग्रेस की योजना को उन्होंने बलाय ताक कर दिया, उसके बारे में बात तक नहीं कर। जबकि 2008 में इन्होंने वादा किया था 50,000 किसानों का कर्जा माफ करेंगे। स्वयं राजनाथ सिंह जी ने यह वादा किया था जब वो भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री थे, अध्यक्ष थे। इस तरह से पूरे इन्होंने दुरुपयोग किया है और किसानों के साथ अन्याय किया है। अब ये अमित शाह जी को बुला रहे हैं, कह रहे हैं कि जो किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ उनका ब्याज माफ करें, ब्याज माफ करें। अरे हम तो कह रहे हैं सरकार हमारी ला दो तो हम लोग मूल धन और ब्याज दोनों माफ करें, नहीं माफ करें। 20 साल बाद शिवराज और मामू मामा ये जो है इनको कहने की याद अब आई है। लाडली बहना योजना जो कि चुराई हुई योजना है, हिमाचल प्रदेश में 1500 रुपए का हमारा बाबा का देने का वादा था, वहां से उन्होंने चुराई। 2019 के लोकसभा चुनाव में हम लोगों का वादा था, मैनिफेस्टो था कि गरीब परिवार के लोगों को 6,000 रुपए माहवार न्याय योजना के न्यूनतम आय योजना के अंतर्गत दिया जाएगा। सरकार हमारी नहीं बनी, हम नहीं कर पाए। लेकिन मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी ने नारी सम्मान योजना कल प्रारंभ, हमने वादा किया है गैस की टंकी 500 रुपए और हर
दादा जी करीब महिला परिवारों को महिलाओं को 1500 रुपए दिए जाएंगे। और कमलनाथ जी ऐसी शख्सियत है जो कहते हैं जो करते हैं वो भी होगा। इस इवेंट में एक्चुअल उपस्थिति जितनी होती है उससे 3 गुना लोगों के खाने की व्यवस्था का पेमेंट हो रहा है, ऐसा यह हो चुका है। रिपोर्ट है 40,000 लोग आए, पेमेंट हुआ 1.25 लाख लोगों का। ये 1.25 लाख भूत कौन है जिनको भोजन करा दिया इस प्रशासन ने, इसमें सारा हिस्सा बना हुआ है। एंड वो लगता है वो भी इनके चुने हुए ठेकेदार लगाते हैं। बसों का किराया भी कहां से आता है ये भी पूछ लीजिए। ये सारा पैसा केंद्र राज्य सरकार के बजट से खर्च करते हैं अलग अलग हेड से, और जिसके लिए पैसा आवंटित है उस पर खर्च नहीं होते। पूरा ट्राइबल सब प्लान और स्पेशल कंपोनेंट प्लान का जो अनुसूचित जाति जनजाति लगाया जाता है वो उसमें उसका उपयोग नहीं हो रहा है। लाडली बहन योजना का जहां तक सवाल है, मैंने जैसा कहा कि 20 साल बाद जा रहे हैं, हम लोग गैस की टंकी भी 500 रुपए में देंगे। एक हमारी महिला नेता ने बात बिल्कुल सही कही, यार 1170 रुपए की कीमत है टंकी की, तो शिवराज सिंह जी आप ये फॉर्म वारम भरवाने के बजाय एक काम करो कि हम पूरे जो आप खर्च कर रहे हो वो सब्सिडी जो है आप गैस का जो हमें सप्लाई करता है उसको दे दो, हमको तो 170 रुपए में टंकी दे दिया करो, फॉर्म वारम भरवाना बंद करो, इसमें ऑनलाइन भरो, कनेक्ट नहीं हो रहा है, ओटीपी आ नहीं रहा है, एक एक फॉर्म भरवाने में 1,000, 1,500, 2,000 रुपए जैसे खर्च हो रहे हैं। और इस पर भी उनको पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। किसान सम्मान योजना में 6,000 रुपए खाते में डाले गए, अब अपात्र लोगों को मिल गए उनसे वसूली की जा रही है। संबल योजना में पैसे दे दिए उनसे फिर वसूली की गई। बात यही है इस झूठों के सरताज नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह चौहान इन दोनों के खिलाफ जनता में माहौल है, जनता त्रस्त है, महंगाई से त्रस्त है, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग पर अत्याचार हो रहा है, जमीनें उनकी छीनी जा रही है, बड़े बड़े लोग आगे आ रहे हैं। और अंत में जैसे हमारे कई मित्र कहते हैं कि भाजपा भी अब 3 गुट में बट गई है, एक शिवराज भाजपा शिवराज भाजपा, दूसरी है महाराज भाजपा और तीसरी है नाराज भाजपा। क्या तीसरी नाराज भाजपा में कौन लोग हैं? जो शिवराज भाजपा है वो तो 2003 से कमा रही है, लूट रही है। महाराज भाजपा को लूटने का समय मिला ये 3 महीने 3 साल का, इसमें लूट मचाई हुई है। अब नाराज भाजपा के लोग कह रहे हैं कि तू भी क्यों लूट रहे हमें क्यों नहीं दे रहे, ये नाराज भाजपा है वो। लेकिन उसके अंदर कुछ ईमानदार लोग भी हैं जिन्होंने चना खाकर और साइकिल में चढ़ के जनसंघ के जमाने से स्थापित किया, वो घर बैठे को नत्ती गांव के खिलाफ क्या नहीं कहा, सट्टा जुआ रेता खदान वसूली चल रही है। तो ये 3 कैटेगरी के हैं। शिवराज भाजपा के श्री भूपेंद्र सिंह, श्री नरोत्तम मिश्रा, महाराज भाजपा के तो सभी हैं और नाराज भाजपा तो आप जानते हो रीवा में भी है।